22 जनवरी को कौन कौन अयोध्या आएगा ये धीरे धीरे पता चलेगा, और अभी इतना पता है कि कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को टोटल बायकॉट कर दिया। इससे क्या राजनीतिक फायदा, ये तो फैसला करने वाले ही जानते होंगे, नतीजा ही वक्त बताएगा। इस बहिष्कार के पीछे जो तर्क कांग्रेस ने दिए थे उनका बुरा वक्त आज ही शुरू हो गया, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ने आज खुद प्रेस को बुलाकर पूरी तैयारी से पूरी रिसर्च के बाद जो फैक्ट्स बताए वो 12 घंटे भी नहीं टिक पाए। कांग्रेस शंकराचार्य की ओट लेकर इस कार्यक्रम को मोदी का गेम प्लान साबित करना चाहती थी। बीजेपी इसके लिए कोई काउंटर नैरेटिव तैयार करती, उससे पहले ही शंकराचार्य ने ही कांग्रेस को झूठा साबित कर दिया। जब पूरे देश में राम लहर चल रही है तो ऐसे में कांग्रेस की थिंक टैंक बिना फैक्ट चेक किए इतनी बड़ी बात आखिर बोल कैसे गए, और उन्होंने क्या बोला और उसकी हवा कैसे निकली। शंकराचार्यों के मुद्दे का सच, झूठ और सफेद झूठ तीनों आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। पहले कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार किया, अब पूरा इंडी गठबंधन शंकराचार्य की नाराजगी, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और प्राण प्रतिष्ठा की विधि पर सवाल उठा रहा है। पहले आप देखिए कि राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता किस तरह नैरेटिव बना रहे हैं, फिर आपको पूरी हकीकत भी बताएंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि चारों पीठों के शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में है, और चुनाव को देखते हुए प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की गई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने कहा कि चारों पीठ के शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या ये भी सनातन विरोधी हैं? सुप्रिया श्रीनेत के मुताबिक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वहीं दिग्विजय सिंह बोले कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा कि बीजेपी चारों शंकराचार्य के विरोध की अनदेखी कर रही है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के मुताबिक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करना वेदों और सनातन धर्म के अनुरूप नहीं है। वहीं उद्धव गुट की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाया कि देश में चार शंकराचार्य हैं, और उन्होंने भी कहा कि वो समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे, क्या वे भी गलत हैं? ये वही नेता हैं जिनकी पार्टियों ने 500 साल बाद हो रहे सबसे बड़े धार्मिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार किया है। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता 5 सवाल उठाकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं कि शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विरोध में है। किस पंचांग को देखकर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की गई है? अर्धनिर्मित मंदिर का शिलान्यास क्यों हो रहा है? इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, और रामनवमी के दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं की जा रही है? प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया? ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। जब
हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे। तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? सनातन परंपरा और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य की अहम भूमिका रही है। इसी को ध्यान में रखकर देश के चारों कोनों में चार शंकराचार्य मठ स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, जिसके शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद हैं। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ, जिसके शंकराचार्य जगतगुरु भारती तीर्थ हैं। पूर्व में उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ, जिसके शंकराचार्य निष्कलानंद सरस्वती हैं। और पश्चिम में गुजरात के द्वारका धाम में शारदा मठ, जिसके शंकराचार्य सदानंद सरस्वती हैं। कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शंकराचार्यों की नाराजगी का दावा बार बार कर रही है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया है। श्रृंगेरी मठ ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि उनके मठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज प्राण प्रतिष्ठा से नाराज नहीं है, उनके बारे में गलत दावा किया जा रहा है। वहीं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य के यहां से भी एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने नाराजगी वाला कोई बयान जारी नहीं किया है। प्राण प्रतिष्ठा तो प्रसन्नता का अवसर है। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज की पीठ से जारी प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हर्ष की बात है। पुष्य शुक्ल द्वादशी के दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा पर धर्म विरोधी भ्रम फैला रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज नाराज नहीं है। भारती तीर्थ जी प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में नहीं है। इस लेटर से साफ है कि प्राण प्रतिष्ठा से शंकराचार्य नाराज नहीं है और इसके मुहूर्त को लेकर भी कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस गुमराह कर रही है। जो बात श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज की पीठ की तरफ से कही गई है, करीब करीब वही बात द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य की तरफ से भी कही गई है। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की तरफ से कहा गया है कि सनातन धर्म के लिए ये प्रसन्नता का अवसर है। 500 साल का विवाद समाप्त हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह शास्त्र के मुताबिक हो, यानी द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने भी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं किया है। कांग्रेस शंकराचार्यों का बहाना बनाकर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रही है, लेकिन चार में से तीन शंकराचार्यों ने कह दिया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरोध में नहीं है। गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी निष्कलानंद सरस्वती ने कहा कि वो कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जा नहीं रहे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तो प्रधानमंत्री को करनी है। सिर्फ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कार्यक्रम पर सवाल उठाया है और कहा है कि मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है। फॉर रीजंस दैट आर ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस आवर होलनेस मे नॉट बी एबल टू गो एंड पार्टिसिपेट इन पर्सन एट अयोध्या ऑन 22nd जनवरी, बट वी आर फॉर श्योर 100% बिहाइंड दिस फंक्शन। We take it as a very great event happening after 500 years of struggle. The followers of Sanatana Dharma have now got an opportunity to raise their head with pride and say that our Ram Lalla temple has come up. We fully believe that every Sanatana Dharmi should treat this as a very important event, and as far as our mutt is concerned, we are fully behind this function, sir. कांग्रेस का दूसरा सवाल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन को लेकर है। कांग्रेस ने पूछा है कि किस पंचांग को देखकर 22 जनवरी की तारीख निकाली गई, प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख क्यों चुनी गई, इसको भी समझ लीजिए। 15 जनवरी से मकर संक्रांति की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में सभी शुभ काम 15 तारीख से ही प्रारंभ होंगे। इसके अलावा 15 जनवरी से ही माघ मेला लग रहा है, लेकिन 25 जनवरी से कल्पवास की शुरुआत होगी
और सभी साधु संत प्रयागराज में रहेंगे। 22 जनवरी की तारीख मोदी ने नहीं तय की है, बल्कि पंचांग के मुताबिक 15 से 25 जनवरी के बीच सबसे शुभ मुहूर्त 22 जनवरी को ही है। 22 को विष्णु मुहूर्त है, जो 41 साल बाद आया है। अभिजीत मुहूर्त को हिंदू धर्म में शुभ काम के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र के अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:29:08 से 12:30:32 के बीच रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कांग्रेस ने तीसरा सवाल अर्धनिर्मित मंदिर के शिलान्यास को लेकर उठाया है, लेकिन बीजेपी के विरोध में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिव्य आयोजन से दूरी बना रही कांग्रेस भूल गई है कि मंदिर क्या होता है। मंदिर के अधूरा होने वाले कांग्रेसी नेताओं को पता होना चाहिए कि जिस जगह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है वही मंदिर होता है। इस लिहाज से मंदिर अर्धनिर्मित नहीं है। रामलला के भव्य मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह तैयार है, गर्भगृह बन चुका है, मंदिर का मंडप सज चुका है। रामलला पिछले 500 साल से वनवास में थे। जब रामलला प्रकट हुए उसके बाद उन्हें टेंट में रखा गया। 27 साल टेंट में रहने के बाद 25 मार्च 2020 को नवरात्र के पहले दिन विराजमान रामलला टेम्पररी मेक शिफ्ट टेम्पल में रखे गए। अब इतनी ठंड में भी रामलला को टेम्पररी मेक शिफ्ट टेम्पल में रखा गया है। अब जब गर्भगृह तैयार है तो रामलला को वहां रखने पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। जहां रामलला को विराजमान होना है वो जगह बन चुकी है। मंदिर के दूसरे हिस्सों का काम प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी जारी रह सकता है। I had personally gone to the place where this Ramlala consecration is going to take place. The sanctum sanctorum is fully over. I don't know from where people get the message that it is not complete. The project itself might not be complete. That is a 3-year or 4-year project. But Sanctum Sanctorum is complete. So I don't know why people are saying the project is at a temple is not complete. Congress aur uska गठबंधन सियासी वजहों से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ अजीबोगरीब तर्कों के साथ नैरेटिव सेट किया जा रहा है।